अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का वेदर तो मैंने आपको दिखाया है कैसा हो रहा है। ज़बरदस्त बारिश हो रही है इस वक्त और मैं जा रहा हूँ इस वक्त कहीं 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 जो मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ। बस मैं निकल रहा हूँ बाहर और फिर देखते हैं कहाँ है मौसम, जहाँ ले जाए रोड जहाँ ले जाए। तो मैं लाइट्स वगैरह ऑफ कर रहा हूँ ताकि हम लोग लाइट्स का बिल बच जाए। तो ये मेरी छोटी सी हाँ, तो नाज़रीन बारिश फिर स्टार्ट होती है और मैं जा रहा हूँ थोड़ा इस ब्रिज को क्रॉस करके उस एरिया पे जहाँ पे मेरा कज़न सरोज इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि हम लोग कहीं जाएंगे, मेरी फैमिली तो मौजूद है नहीं, तो हम लोग अब अकेले कहीं जाएंगे। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बारिश रुक चुकी है, लेकिन बारिश नहीं रुकी है और पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ भी रही है कि नहीं आ रही। तो बस जा रहे हैं यार, मुझे पता है कुछ पहन लेता और मैं पूरा गीला हो जाऊँगा। ब्रिज के टॉप पे पहुँच चुका हूँ और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ये देखिए। सरोज की गाड़ी खड़ी है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। मैंने अपनी गाड़ी नहीं निकाली क्योंकि जब मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ मेरी गाड़ी में ना प्रॉब्लम बहुत हो जाते हैं बारिश में निकलते, और मैं नहीं चाह रहा मज़ीद पैसे खर्च करना उस पर। तो मैं सरोज के साथ जा रहा हूँ, देखते हैं कहाँ जाते हैं, कुछ जगह निकालनी पड़ेगी। आज जैसे मैंने आपको बताया था हम लोग बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं फुजैरा की तरफ। फुजैरा थोड़ा हिली एरियाज है, वहाँ पे तो थोड़ा अच्छा लगता है बारिश के वक्त जाते हुए। हम लोग निकल चुके हैं, रास्ता दिखा रहा है 1 घंटे का 1 घंटा 5 मिनट और शारजा में एज यूजल ट्रैफिक जैम है, जो कि मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। तो इस ट्रैफिक जैम से निकलते निकलते आगे थोड़ा खुला एरिया मिलेगा, फिर हम लोग निकलेंगे। आगे के रास्ते बहुत अच्छे हैं, तो मैं आपको रास्ते में दिखाता रहूँगा कि कैसे रास्ते हैं, और फिर देखते हैं स्पॉट कौन से। वहाँ पर डैम्स भी होने में, पार्क भी होने में, तो अभी डिसाइड नहीं किया एक्चुअली हम लोग कहाँ जाना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि रश बहुत होगा इस वक्त, पूरा दुबई उन एरियाज में ही निकला हुआ था और आज संडे का दिन है और संडे को तो होता ही होता है रश। तो लेट्स सी, जुड़े रहिएगा, फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं कि क्या मामला था। अभी कुछ खाओगी? अभी नहीं खाऊंगी, मैंने नाश्ता किया। पक्का? क्योंकि मैं तो खाने जा, मैं तो अभी खाने जा रहा हूँ। मैं तो कॉर्न खाऊंगी। हैं? चलो सर, ठीक है, बाय बाय करो। किसको बाय बाय करो? मैं अभी इस वक्त यहाँ पर क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो मैं नाश्ता करने के लिए जा रहा हूँ, नाश्ता या कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ। तो टैक्सी क्या खाते हैं यहाँ पर? अभी रुक के मैंने पेट्रोल पंप पे कुछ बिस्किट्स वगैरह ले लिए थे, गुजारा हो जाए। और अच्छा, वहाँ पे जो है ना बंदा आया, जो ना पाकिस्तानी की इज्जत है ही नहीं कहीं पर, आया बोला सर वीडियो इज़ नॉट अलाउड, तो फिर बंद करनी पड़ी। खैर गुजारा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ये सब खा पी के फिर उसका बाहर अभी जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ खा लेंगे। अभी मौसम तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और आगे मुझे लग रहा है रश भी बहुत ज़्यादा मिलेगा,
देखते हैं। लेमो जूस जूस पिया कैसा था? अच्छा था। कौन सा था? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कौन सा होता है? रिकॉर्ड हो रहा है। सेकंड की रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा और क्या खाया आपने? कुकीज भी तो खाए थे। फुजारा में हम लोग एंटर हो चुके हैं बस अभी और पहाड़ी जो इलाके हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। पूरा कवर है छोटे छोटे हिल से और अच्छा लग रहा है, मजेदार लग रहा है। अच्छा यहाँ खुरफगान के पहाड़ों का जो टच है ना, जो कलर है ब्राउन कलर, वो एक्चुअली में जो है टच देता है हुंजा के और स्कर्दू के पहाड़ों का, क्योंकि हुंजा के पहाड़ भी ऐसे ही ब्राउन कलर में होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो हुंजा बड़े पहाड़ होते हैं, बर्फ पहाड़ी होती है, मतलब स्नो होता है वहाँ पे, तो वो अलग एक वाइब दे रहे होते हैं। एक आपका साथ में दरिया बह रहा होता है, दरिया सिंध है, तो वो एक अलग ही वाइब दे रहे होते हैं। लेकिन ये भी अपना यूएई में रहते हुए बहुत अच्छी जगह है, अगर अच्छा मौसम हो तो यहाँ पे आने का मजा ही अलग होता है। तो अक्सर जैसे ही अच्छा मौसम होता है तो आधे से ज्यादा दुबई जो है ना आपका इस एरिया में पहुंच जाता है। खूबसूरत है कि समझ नहीं आ रहा है कौन सी चीज दिखाऊं कौन सी चीज ना दिखाऊं, तो हर जगह कैप्चर करने का दिल चाह रहा है लेकिन इतनी सारी चीज आप कैप्चर कर नहीं सकते। दूसरी चीज जो आंखों को दिख रहा होता है वो कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो आपको आंखें दी हैं वैसे मतलब वो मुकाबला कैमरा नहीं कर सकता। लेकिन स्टिल मेजा खूबसूरत लग रहा है, बारिश हो रही है, पहाड़ों में ढका हुआ एरिया, बादल आए हुए हैं, तो यू कैन इमेजिन दैट एरिया और मतलब मजा आ। हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और एज यूजुअल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आधा दुबई पहुंचा हुआ होगा, तो वैसे ही है, बिल्कुल रश लगा हुआ है, कुछ नहीं पता गाड़ी कहाँ पार्क होगी, क्योंकि लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, तो पार्किंग एरिया नहीं है और ना मुझे लग रहा है मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कहीं इधर उधर जुगाड़ में पार्किंग करनी पड़ेगी, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा हम लोग यहाँ पे मैं शीश पार्क पर उतर चुका हूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश हुआ है, जो गाड़ी की पार्किंग मिल नहीं रही है। और अगर आप देखें मेरे पीछे बैकग्राउंड जो आपका है, इतना ज़बरदस्त लग रहा है, पहाड़ हैं और ऐसा लग रहा है हर चीज़ धुली हुई है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, मज़ा आ गया। मतलब अगर ऐसे ही मौसम रहे ना यूएई में तो यूएई की तो वर्थ बढ़ जाए। फिर बैठे बैठे हम लोगों को तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, हम इस आश्रय में बैठे हैं कि हमें पार्किंग मिल जाएगी, लेकिन पार्किंग कोई ऐसा है बंदा है ही नहीं जो पार्किंग छोड़ रहा है। अभी एक बंदा दोबारा कोई गाड़ी में बैठा है, जैसे ही कोई बंदा गाड़ी में बैठता है ना हमारी उम्मीदें जाग जाती हैं, फिर वो क्या करता है आता है अपनी अनलॉक करता है गाड़ी वापस चला जाता है, तो फिर यही चल रहा है। कुछ खा लेगा? हाँ कुछ खा लेगा। अभी समझ नहीं आ रहा करें क्या, यहाँ पे आ तो गए, गाड़ी छोड़ के जा नहीं सकते, फाइन है 600 तो का फाइन देगा। चलो जमा लिया कौन हो। अभी हम लोगों ने शकरकंदी का ऑर्डर दिया है
शकरकंदी खाएंगे, और इससे पहले हमने कॉर्न्स खाए। अच्छा, कॉर्न्स के अंदर इन्होंने क्या किया था, कॉर्न्स होते हैं ना, कॉर्न्स को काट के दिया था, जैसे स्वीट कॉर्न्स होते हैं ना, वो मिलते हैं कप्स के अंदर, इस तरह उन्होंने पूरा काट के फिर दिया था। भुट्टा भुट्टे की तरह नहीं था, वैसे था, काट के दिया, तो अच्छा लग रहा था, तो जल्दी जल्दी खा लिया, वरना गंदगी मचती है। अभी हम लोगों ने ऑर्डर दिया इसका शकरकंदी का, शकरकंदी बन रही है, फिर मैंने टेस्ट कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर शकरकंदी जो ना फीकी फीकी भी आती है, मैंने टेस्ट कर ली थी, शकरकंदी अच्छी थी, तो हमने वो भी ऑर्डर दे दिया। अभी चाट मसाला है, ये तो लाल है, एक भुट्टा। शकरकंदी हमारी आ गई है, एक हाथ से वीडियो, एक हाथ से शकरकंदी खा नहीं सकता, तो वीडियो बंद करनी पड़ेगी। अच्छी है, क्योंकि लेमन है, चाट मसाला भी डाला है। छिलका नहीं खाते, छिलका कौन खाता है। ये मेरा आ गया भाई, ये है जातिर, और ये आप देख रहे हैं पहाड़ों के साथ, पहाड़ों के साथ हम कर रहे हैं अपना जातिर। अच्छा, ये जातिर मैंने इसमें डलवाया था, सरोज ने चीज वाला करवाया है, लेकिन चेक के जातिर वाला क्या है, मजेदार है, और जातिर मुझे पसंद है, तो इस वजह से मैंने जातिर करवाया था। जातिर क्या होता है आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ना देखो पूरा, ठीक है, मुझे खुद नहीं पता क्या होता है। अच्छा भाई, हमने वो खा लिया, अच्छा था, जातिर में करवाया था, सरोज ने चीज़ में बनवाया था। अगर आवाज़ नहीं आ रही होगी तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि मैं चाय पी रहा हूँ, और चाय भी सुना है कि अच्छी है। अच्छी है चाय, थोड़ी पतली है लेकिन अच्छी है। जमल क्या चाहिए, चाय चाहिए। अच्छा, रश काफ़ी ज़्यादा है ना, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ ना सुनाई भी नहीं दे रहा, और पता है इस वक्त हो रही है बारिश, बारिश तेज़ हो रही है, और बाकी यहाँ पर सब खाना पीना बन रहा है, ये बारिश हो रही है। अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि हम लोग एक और चीज़ ट्राई करते हैं, जिसको कहते हैं लुकमियात, ये भी एक अरेबिक डिश होती है, तो अभी हम वो ट्राई करते हैं, देखते हैं वो कैसी है। ये था हमारा शीश पार्क का टूर, और अब हम लोग वापस जा रहे हैं, और सब गाड़ी में बैठना शुरू हो चुके हैं, फिर हम लोग निकलेंगे, और यहाँ पे हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आया होगा, कमेंट्स में और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।